प्रेरणा कथा। छोटा सा अगर 20 वर्ष पहले ली श्वान बहुत ही निराश था। उसकी उम्र के सभी लड़के कॉलेज से पास होने वाले थे, परंतु वो अभी भी कॉलेज में प्रवेश के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा था। थक हार कर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक कोयले की खान में मजदूरी शुरू कर दी। वो दिन रात परिश्रम करने लगा और थोड़े पैसे कमाने लगा। दिन रात काम करने और कठोर मौसम की यातनाएं सहते वो भी कठोर हो गया और वो अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा। उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाले सभी लड़के एक एक करके अपनी सफलता के रंग दिखाने लगे। उसके साथ के सभी लड़के या तो बड़े बड़े व्यापारी बन गए थे या ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर नौकरियां करने लगे थे। ली श्वान उनसे ईर्ष्या करने लगा था, वो सबसे अलग थलग हो गया था। एक दिन उसके पुराने स्कूल के उसके साथ पढ़ने वाले सभी छात्रों ने एक पुनर्मिलन समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन उन्होंने मई दिवस के दिन रखा था। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के कारण ली श्वान को भी काम पर नहीं जाना था। उसको भी पुनर्मिलन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। उसके मन में उथल पुथल होने लगी कि उसको जाना चाहिए कि नहीं। बहुत संघर्ष करने के बाद उसने स्वयं को तैयार कर लिया। उसने तो पहले ही सोच रखा था कि उस पुनर्मिलन कार्यक्रम में उसके सभी मित्र अपनी अपनी सफलता का बखान करेंगे, पर उसके पास तो कहने को कुछ भी नहीं था। वो तो सिर्फ एक मजदूर ही था। वो सोच रहा था कि उस जैसे एक असफल व्यक्ति को आमंत्रित करके वो अपनी सफलता की उसकी असफलता से तुलना करने वाले। फिर भी ली श्वान तैयार था। पार्टी में उसने देखा कि उसके सभी पुराने साथी सुंदर सुंदर वस्त्रों में अपनी अमीरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें सबसे सफल लड़का सबके आकर्षण का केंद्र था। वो अब एक बड़ी कंपनी का मालिक था। सभी लोग उसको बॉस कहकर बुला रहे थे। उसकी कंपनी शेंजेन में थी और वो अपनी शानदार कार से उस पार्टी में आया था। पुनर्मिलन पार्टी के दौरान उस अमीर और सफल लड़के को अचानक महसूस हुआ, मालूम हुआ कि उसका एक मित्र बीमार हो गया था और वो अस्पताल में था। वो अमीर और सफल लड़का अपने साथ नगद पैसे नहीं लाया था। उसने ली श्वान से कहा, मेरे दोस्त, आज मैं अपने साथ पैसे नहीं लाया हूँ, क्या तुम मुझको कुछ देर के लिए 1,000 युआन उधार दे सकते हो? ली श्वान को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो भी किसी के काम आ सकता था। वो दौड़ कर घर गया और अपने बचा कर रखे हुए पैसों में से 1,000 युआन लेकर आ गया। उसने वो पैसे अपने अमीर मित्र को दे दिए। पार्टी अंत होते होते उस अमीर मित्र ने पैसे मंगवा दिए थे और उसने ली श्वान के पैसे वापस कर दिए। कई वर्षों के बाद ली श्वान एक दिन टेलीविजन पर अमीर और सफल व्यवसायियों के एक सम्मेलन का एक कार्यक्रम देख रहा था। उसने देखा कि उस कार्यक्रम में उसका वो अमीर मित्र भी था जिसको कई वर्ष पहले 1,000 युआन कुछ घंटों के लिए उधार दिए। अपने भाषण में उस अमीर मित्र ने कहा, मैं खास करके अपने मित्र ली श्वान का आभारी हूं। एक दिन जब मुझको सबसे अधिक जरूरत थी और एक दोस्त का जीवन बचाना था, मेरे दोस्त ली श्वान ने मुझको 1,000 युआन उधार दिए थे। उन पैसों से मेरा वो बीमार दोस्त अस्पताल में बच गया। इन शब्दों को सुनकर ली श्वान की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने सेलफोन पर अपने अमीर मित्र का नंबर घुमाया और उसको कहा, मेरे दोस्त, उस दिन तुमने मेरी कितनी मदद की तुम नहीं जानते। अगर उस दिन तुम मुझसे 1,000 युआन उधार नहीं मांगते तो मुझे मालूम ही नहीं होता कि मैं भी किसी योग्य हूं।
मैं तो अपने आप को नकारा ही मान बैठा था और मैंने पढ़ाई छोड़कर कोयले की खान में मजदूरी करनी शुरू कर दी थी। परंतु उस पार्टी के अगले दिन ही मैं फिर से स्कूल गया और उसी वर्ष स्कूल पास किया और 2 वर्षों बाद कॉलेज भी पास किया। फिर बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज मैं अपने एक स्कूल का मालिक हूँ और मेरे कुछ व्यापार भी हैं। उसने देखा कि टेलीविजन पर उसका मित्र हाथ हिला रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो फोन को कान पर रखकर बोला, तुम मुझे देख रहे हो ना, यही जीवन है मेरे मित्र, कभी कोई किसी की मदद करता है, कभी कोई किसी की। मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा। ली श्वान में आंसू पोंछे और फोन पर धन्यवाद कहकर फोन बंद कर दिया। मित्रों, कोई नहीं जानता कि जीवन में कौन सी चीज या कौन सी बात किसी व्यक्ति को कहाँ, कब और कैसे प्रेरित कर देती है और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। कभी भी अपने सफल मित्रों से घृणा मत कीजिए। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके अच्छे मित्र होते हैं। अपने मित्रों से जीवन भर अपना प्रेम बनाए रखिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी इन छोटी छोटी कहानियों को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।